नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। गौतम अडानी बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी पहली बार बॉन्ड मार्केट से बड़ी रकम जुटाने की तैयारी में है। ये रकम दुनिया के चुनिंदा निवेशकों से जुटाई जाएगी। इसके लिए अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टर कॉल का आयोजन भी किया है। अदानी ग्रुप अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में निवेशकों को इस कॉल में जानकारी देगा। एक कॉल का आयोजन आज यानी 16 फरवरी को किया जाएगा, जबकि दूसरी कॉल 21 फरवरी को आयोजित होगी। इस कॉल का आयोजन बार्कलेज, बीएनपी परिभाष, डीबीएस बैंक, डच बैंक, इमिरेट्स, एनबीडी कैपिटल, आईएनजी, ग्रोइप एनवी, एमयूएफजी, मिजोहू, एसएमबीसी निको और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करा है। इस कॉल के आयोजन का बड़ा मकसद निवेशकों का विश्वास भी जीतना है। खबरें हैं कि अदानी ग्रुप की निवेशकों से 1.5 अरब डॉलर जुटाने की प्लानिंग है। अबू धाबी इंटरनेशनल फंड अदानी ग्रुप में बड़े निवेश की भी योजना बना रहा है। ये निवेश अदानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की दूसरी कंपनियों में किया जाएगा। अभी अदानी ग्रुप पर 2,00,000 करोड़ का कर्ज है। इसमें विदेशी निवेशकों की ज्यादा हिस्सेदारी है। इसे ग्राफिक से ऐसे समझ सकते हैं, अडानी के कुल कर्ज में भारतीय बैंकों की 25% की हिस्सेदारी है, दूसरे बैंक्स की 8%, बॉन्ड्स की 37%, घरेलू कंपनियों की 6%, विदेशी बैंकों की 18% और लोकल बैंक्स की 6% हिस्सेदारी है। अब अगर बॉन्ड से अदानी ग्रुप पैसे जुटाने में सफल रहा तो इससे दूसरे निवेशकों में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जो औंधे मुंह गिरे हैं उनमें नई खरीदारी लौट सकती है। पिछले एक महीने में ACC का शेयर 21% गिरा है, अडानी इंटरप्राइजेस 50%, अडानी ग्रीन एनर्जी 71%, अडानी पोर्ट्स 26% टूटा है। इसके अलावा अडानी पावर का शेयर 47%, अडानी टोटल गैस 73%, अडानी ट्रांसमिशन 64%, अडानी विल्मर 27% और अंबुजा सीमेंट 33% गिरा है। अदानी ग्रुप की शेयरों में गिरावट का असर ये हुआ है कि ग्रुप का मार्केट कैप 125 अरब डॉलर तक गिर गया है, जबकि गौतम अडानी जो एक महीने पहले तक 127 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे वो गिरकर 23 नंबर पर पहुंच गए हैं। अब इस गिरावट के दौर को भूलकर अदानी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और निवेशकों में विश्वास जुटाने में जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले ही गौतम अडानी ने बयान जारी कर कहा कि ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक है। गौतम अडानी ने कहा कि ग्रुप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कंपनी पर कोई खतरा नहीं है, कंपनी के निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। ये सब कुछ गौतम अडानी कंपनियों के शेयरों में नई तेजी लाने के लिए कह रहे हैं। अडानी के पास 3,70,000 करोड़ की संपत्ति है। इससे सालाना 60,000 करोड़ रुपए सालाना की कमाई होती है। इसका मतलब है कि कमाई और कर्ज का अनुपात 3.2 गुना है, जो कि इंडस्ट्री मानक के मुताबिक ही है। अगर अडानी बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने में कामयाब हो जाते हैं तो माना जा रहा है कि ग्रुप की कंपनियों में दूसरे निवेशकों का पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राजनीति गरमाई हुई है, शेयरों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।